उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस लगातार अपराधियों के एनकाउंटर कर रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन अपराधी प्रदेश में गंभीर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यूपी पुलिस कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी क्रम में एसएसपी की अगुवाई में पुलिस ने जिले के टॉप माफियाओं के घर दबिश दी और दबिश के दौरान पुलिस को इन माफियाओं के घर से भारी मात्रा में अवैध असलहा बरामद हुआ है। मेरठ के टॉप 10 माफियाओं में योगेश भदौड़ा, ऊधम सिंह करनावल और लीलू करनावल जैसे नाम शामिल हैं। इनमें से योगेश भदौड़ा सिद्धार्थ नगर जेल में बंद है और ऊधम सिंह करनावल आजमगढ़ जेल में बंद है। एसएसपी ने बताया कि कुछ दिन पहले पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक इनामी की मौत हो गई थी, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया था। मुठभेड़ में फरार बदमाश की तलाश में पुलिस ने जिले के टॉप बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी थी, जिसमें तीनों बदमाशों के घरों से भारी मात्रा में अवैध असलहा और कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने सभी बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरठ जनपद के जो भी माफिया चिन्हित हुए हैं और जो बड़े अपराधी हैं, कुछ कुछ सूचनाएं इनके बारे में लगातार पुलिस को प्राप्त हो रही थी और एक मुठभेड़ पुलिस मुठभेड़ में एक अपराधी की मृत्यु हुई थी कुछ दिन पूर्व। उसके साथ एक साथी फरार हुआ था, उसकी तलाश में टीमें लगी हुई थी। इसी अनुक्रम में ऊधम सिंह, योगेश भदौड़ा, लीलू, इन सभी के घरों पर पुलिस टीम एसपी देहात और एसपी क्राइम के नेतृत्व में साथ ही कई थानों की फोर्स क्षेत्राधिकारी ने दबिश दी। इसमें इनके यहाँ से भारी मात्रा में इलीगल वेपन बरामद हुए हैं। कुल एक राइफल, 3 बंदूक और 14 कंटीनमेंट पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं, जिसका मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और भी जाँच में पुलिस को बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जिनके आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, जो असला मिला है तो क्या इनपुट था पुलिस को, कोई गैंगवार या कुछ और ये करना चाह रहे थे वारदात? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसके बाद वो चीज़ें हम आप लोग से शेयर करेंगे। अभी तक जैसे मैंने प्रारंभिक तौर पे आपको बताया कि एक अपराधी मारा गया था, उसके साथी फरार हुआ था, जिस पर लगातार पुलिस की टीमें काम कर रही थी और उसी के अनुक्रम में ये दबिश हुई है और लगातार इन अपराधियों पर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। आपको बता दें कि मेरठ पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधियों के घर दी गई दबिश में भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें एक राइफल, 3 बंदूक और 14 कंट्री मेड पिस्टल सहित भारी मात्रा में कारतूस शामिल हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।